की राष्ट्रपति जो बिडेन की यह खबर है। रूस से युद्ध के बीच पहली बार जो बिडेन पहुंचे हैं यूक्रेन, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की ये तस्वीर, और ये काफी महत्वपूर्ण। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक वर्ष पूरा होने वाला है युद्ध शुरू हुए रूस और यूक्रेन के बीच। नेटो, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है, और यूक्रेन को पूरी मदद अमेरिका की तरफ से मिल रही है यूक्रेन के साथ खड़े होने का। जो बिडेन ने यहां पर एक और ये साक्ष्य दे दिया है, अगर वो पहुंचे हैं अमेरिका तो अब ये बिल्कुल तय हो गया, दुनिया भर में ये संदेश चला गया है कि अमेरिका यूक्रेन के साथ है, और यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रहा है। और जब जो बाइडेन वहां पर पहुंचे तो हवाई हमले का सायरन बज रहा था, उस बीच वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति का यूक्रेन पहुंचना, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के एक वर्ष के पूरे होने से पहले, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश रूस को भी कि यूक्रेन के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा हुआ है। यूक्रेन यदि आज तक वर्ष भर तक अमेरिका की मदद के बिना क्या रूस का मुकाबला कर सकता था? नहीं। अगर यूक्रेन रूस से अभी भी लड़ रहा है, अभी भी युद्ध चल रहा है, तो उसके पीछे अमेरिका है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचकर ये संदेश दे दिया है, दुनिया को ये बता दिया है कि रूस के विरोध में हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। और ये तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अमेरिका पहले दिन से, जिस दिन से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तब से यूक्रेन की मदद कर रहा है। नेटो देश जो हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, और उसका नेतृत्व अमेरिका के हाथ में है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यहां पहुंचना एक बहुत बड़ी खबर, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। रूस यूक्रेन युद्ध में अगर साल भर में कोई सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आया है तो वो मोड़ ये आया है। हालांकि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो हैं वो पहले जा चुकी हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी से मिल चुकी हैं, और वो भी लगातार यूक्रेन को अपनी यानी कि अमेरिका की तरफ से मदद का आश्वासन दे चुकी हैं। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये क्या संदेश है न सिर्फ रूस को बल्कि पूरी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति का यूक्रेन पहुंचना? अभिषेक, देखिए संदेश बहुत साफ रहा है सईद, जिस तरह का समर्थन यूएस की तरफ से रहा है यूक्रेन को इस लड़ाई में, और अब एक साल होने को आ रहा है भाई, तो 24 फरवरी को जो स्पेशल ऑपरेशंस शुरू हुए थे रूस की तरफ से, जो इन्वेजन था उसको पूरा एक साल हो जाएगा। तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस एक साल तक लड़ाई शायद इसीलिए इतनी लंबी खिंची है क्योंकि बहुत जबरदस्त समर्थन ना सिर्फ यूएस बट सारे यूरोपियन देशों ने दिया है। जो हथियार सामान लड़ाई का यूक्रेन को पिछले एक साल में मिला है, इसी कारण वो सामना कर पाया है रूस का। और स्थिति ऐसी लग रही है कि आने वाले समय में अभी ये लड़ाई चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से संदेश यही है एक साल होने पर कि यूएस जो है समर्थन करता रहेगा यूक्रेन का इस लड़ाई में रूस के खिलाफ। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसे समय पर पहुंचना, अभिषेक, इसको हम रूस के लिए एक चेतावनी समझे या यूक्रेन के लिए ये कि आप डटे रहिए अमेरिका आपके साथ है, क्या समझे? देखिए डटे रहिए अमेरिका साथ है बिल्कुल साफ बड़ा बड़ा लिखा नजर आ रहा है सही। दूसरी बात, चेतावनी जैसे रूस की जहां तक की बात है तो रूस जानता है कि अमेरिका का पूरी तरह से समर्थन रहा है यूक्रेन को। इस बात को रूस काफी बार बोल भी चुका है, और वो यही नहीं बल्कि वो वेस्टर्न मीडिया को भी ब्लेम काफी बार कर चुका है एक नैरेटिव सेट करने के लिए। रूस का मानना है कि ये उसकी अपनी अकेले की लड़ाई है और वो सक्षम है इस लड़ाई को अकेले लड़ने के लिए। तो इसमें कोई ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरह का समर्थन यूएस और यूरोपियन देशों की तरफ से यूक्रेन को मिला है, और रूस इसको अच्छी तरह से जानता है, और रूस को पता है कि इस तरह का समर्थन आगे आने वाले समय में भी मिलता रहेगा। और जो भी टैक्टिकल कारण होते हैं और टैक्टिकल चीजों की जरूरत होती है रूस वो भी कर रहा है। और एक साल जैसा कि हम बात कर रहे थे होने को आया है इस लड़ाई को,
और संकेत बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे कि लड़ाई थमने वाली है। अब ये एक साल के बाद कितने और महीने होंगे, क्या एक और साल होगा, ये समय ही बताएगा।